Welcome back to the channel. ये बुमबुरा डिजिटल मैं हूँ भावना एंड मुंबई में आज दिन है साइक्लोन निसर्ग का. सुबह 10 बजे का फुटेज आपने देखा. अब ऑलमोस्ट 12:15 हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है. हालांकि लैंडफॉल दोपहर में होने वाला है, बट अब खबर ऐसी है कि अलीबाग के आसपास होने वाला है. सो होपफुली वहाँ ज़्यादा डैमेज ना हो और मुंबई में तो बिल्कुल ना हो. Because there's already so much going on with corona and बचपन में मुझको बहुत पसंद था बारिश में भीगना, लेकिन 2006 की बारिश के बाद that all changed. I still like the rains, but I don't like going out because वो 3 दिन जो थे, बापरे, हर मुंबई वासी को जन्मों तक याद रहेंगे वो. सो अभी देखिए, अभी तो बारिश का कोई हाल नज़र नहीं आ रहा, but let's wait and watch. जेसीबी गिरने वाला है. क्या होने वाला है? जेसीबी गिरने वाला है. जेसीबी वो क्या होता है? बेटी आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया इधर की उधर गिर जाए, खाना बनना चाहिए बस. मेरा जो काम है मैं वही करूंगी ना, फर्क क्या पड़ेगा? मेरे फर्क पड़ने से क्या चेंज हो जाएगा लाइफ में? अरे साइक्लोन आएगा तो जेसीबी गिरेगा किचन पे. अभी तो मैं क्या करूँ फिर? भागो भागो, क्या सकते हैं, भागो भागो. पूछा है डोसा रसम में डोसा पाउडर बच गया. मुझे सीधा चम्मच डालती, पागलपना करती. अभी ये देखो, इससे बड़ा साइक्लोन क्या आएगा? साइक्लोन है ये, यानी बच गया. भले रसम पाउडर तो बचाना, मिर्ची विच का पैदा लगता है. रसम पाउडर में ही मिर्ची ढेर है पागल, बस वधिक नहीं बचा. यहाँ गाड़ी लगा दूं क्या? Look at Betty Auntie's lunch. हाँ, भेल की दुकान खोलने वाले हैं? मैंने नहीं मंगाया, मैं देख के हैरान हूँ, पागल हो रही हूँ मैं देख के पैकेट को. भेल का ठेला खोलेंगे अभी जब तू खोलेगी. भेल वाले भैया भाग गए हैं. खोलो बैठ के, अच्छी कमाई हुई. I really didn't realize kurmura itna aata hai. It's better to be safe than to be sorry. Mere gaadi ke bagal mein jhaad hai, ped hai. So let's try and move it to a safer space. So this is where the car is now. That is where it used to be. बेटी आंटी का वर्क फ्रॉम होम चालू है. फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दिन भर. बेटी आंटी आप पे इल्ज़ाम है, आपने कोई वीडियो क्यों नहीं डाला है 2 हफ्ते से? अरे लॉकडाउन में सब्जियां ही बराबर नहीं मिल रही है तो क्या डालूं? तो खाना नहीं खा रहे हो? खाना तो ऐसे ही खा रहे हैं जैसे आज हमने खाया. क्या आज मैंने बनाया? रसम चावल. और उसके साथ ये बाहर के चिप्स विप्स मंगा के रखते हैं, वो साथ में खा लेते हैं.
अच्छा बनाने के लिए पूरा सामान है ही नहीं घर में। बाकियों के पास कहाँ से आ रहा है सामान? वो लोग भर भर के रखते हैं, मुझे ऐसा भरना पसंद नहीं है। भूख नहीं मर जाएंगे ना, लोग समझते हैं हम भूख मर जाएंगे, चलो भरो, मुझे वो पसंद नहीं। बारिश का तो नाम निशान नहीं है, मेरी गाड़ी भाग गई अकेले अकेले। Lunch. There are some chawal and potato chips and chaat. साइक्लोन बहुत दूर की बात है, सुबह से ढंग से बारिश नहीं हो रही है। मुंबई की बारिश कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, नो बॉडी। डे इज क्वाइट अनइवेंटफुल, विच इज व्हाई आई डोंट व्लॉग, बिकॉज डे इज अ वेरी अनइवेंटफुल। सो टाइम टू टेक एन आफ्टरनून नैप, यू गाइस ऑन द अदर साइड। कुछ है ही नहीं घर में, जो बनेगा आलू से ही बनेगा। साइक्लोन कहाँ गया? साइक्लोन बॉम्बे में, जितने पाप है उतने पुण्य भी है, इसके लिए हर टाइम साइक्लोन बॉम्बे से पार हो जाती है। यहाँ का कुछ ऐसा है या तो मुंबा देवी, इट डिडंट इवन रेन टुडे। रेन तो आयो 5 मिनट, दैट विंडी हो 5 मिनट्स, दैट्स इट, व्हाटएवर। Yeah, but don't you think social media creates unnecessary panic? They do always. It's not a... Always means not only one thing. In everything they do like that. Pehle nahi tha itna. Pehle to tha hi nahi. Haan, but pehle log call karke nahi misinformation dete the na landline pe. Unko haan. Care bhi nahi karte the pehle zamane ke log. Aajkal kuch zyada hi ho gaya hai. अभी क्या पटेटो बना? नहीं, पैटिस बन गया, ब्रेड इसमें पड़ गया। तो जब तक मेरी आंटी अपना ब्रेड पकोड़ा स्लैश पटाटा वड़ा पता नहीं क्या बना रही है, आई लाइक टू शेयर विद यू गाइज माई वेरी इंस्टेंट रेसिपी फॉर आइस कोल्ड कॉफ़ी। अगर आप मेरी तरह पीना पसंद करते हैं तो पहले मैं पानी उबालती थी बहुत मिनटों तक, कॉफ़ी गर्म करती थी, फिर उसे ठंडा करती थी, फिर फ्रिज में रखती थी। बट इट्स इंस्टेंट कॉफ़ी, यू नो, यू डोंट इवन नीड टू बॉइल द वाटर। लॉकडाउन के चलते आई थिंक हम लोग या तो बहुत ज़्यादा लेजी हो गए या बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्टिव हो गए। सो कैच दिस माई रेसिपी फॉर आइस कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, लेट्स मेक माई कॉफ़ी। दुनिया की सबसे इजी कॉफी जो मिनटों में नहीं सेकंड्स में बनती है, एंड इट्स परफेक्ट बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ आई लाइक इट। तो अब तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि साइक्लोन निसर्ग का मुंबई में कुछ भी असर नहीं दिखा, दिन भर बारिश तक नहीं हुई। अलीबाग में कुछ नुकसान जरूर हुआ है, बट थैंकफुली वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया था। तो
किसी को चोट लगने की कोई खबर नहीं आई है, बट आई थिंक यू नो लाइक आई वॉज डिस्कसिंग विद मॉम, सोशल मीडिया इज ओनली क्रिएटिंग पैनिक. मतलब अभी कुछ दिन पहले खबर थी कि बॉम्बे में टिड्डी आ रही है, नो एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट. और कुछ ही घंटों में जब BMC ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो वो न्यूज़ किसी तक पहुंची ही नहीं. तो यू नो आई अंडरस्टैंड कि अगर ऐसी कोई खबर मिलती है नो, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, यू नो यू वॉन्ट टू वॉर्न देम, तो आप फॉरवर्ड कर देते हैं वो मैसेज. लेकिन सोचने की बात ये है कि सिर्फ पैनिक वाले मैसेज क्यों आते हैं आपको जो आप आगे फॉरवर्ड करते हैं. आपको जब उस पैनिक का आपको असलियत पता चलती है, रियल न्यूज़ पता चलता है, तो वो मैसेज वायरल क्यों नहीं होता है. यू नो देयर इज समथिंग देयर टू थिंक अबाउट. तो फेक न्यूज़ के वायरल होने के बारे में मैंने जो कहा था, उस पर कॉमेंट ज़रूर करिए. अगर आपके उसके अलावा कोई सवाल है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिख कर पूछिए, या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर लिख कर पूछिए, क्योंकि कल आई विल बी आंसरिंग your questions. See you guys tomorrow.